गाइस, तो कैसे हो? तो गाइस देखो यार, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड जो ये मई का मंथ है ना, ये बहुत ही स्पेशल मंथ होने वाला है। बिकॉज यार आप लोगों को पता है, इस मई के मंथ के अंदर हमारे गेम में बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं। वैसे भी मई के एंड में हमारे गेम के अंदर OB40 का अपडेट आने वाला है, तो इस बार OB40 अपडेट के अंदर हमारे गेम में कौन से गोल्ड के इवेंट्स आने वाले हैं? एंड गाइस आप लोगों को पता है कि इस बार OB40 अपडेट के अंदर हमारे गेम में एक न्यू मैप आने वाला है जो देखने में काफी ज्यादा ऑसम होने वाला है। एंड वो मैप कैसा होगा एंड कब आएगा उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। एंड गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, गाइस देखो यार अभी मैं क्या है ना, एक्चुअली थोड़ी बाहर से वीडियो बना रहा हूं, तो हो सकता है आप लोगों को वीडियो के अंदर थोड़ी सी वॉइस की इश्यूज देखने को मिल सकती है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको इग्नोर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे गेम में आने वाले न्यू मैप के बारे में। एंड गाइस ये जो मैप है ना, ये देखने में काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है एंड चांसेस बन रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये मैप दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो ये मैप है ना, बहुत टाइम से फ्री फायर वाले इस चीज में वर्क कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मैप लाया जाए ना, इसमें जो क्लॉक टावर है ना उसके ऊपर आप लोग देख सकते हो कि एक अलग यूनिवर्स यानी कि एक अलग मैप देखने को मिल रहा है एंड इस चीज में फ्री फायर वाले बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं। वैसे गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्लॉक टावर के ऊपर एक न्यू यूनिवर्स टाइप का देखने को मिल रहा है ना आसमान के अंदर, इसका डिमांड फ्री फायर के अंदर बहुत टाइम से चला आ रहा है। एंड इसका रीजन ये है कि बहुत टाइम से प्लेयर्स ये डिमांड कर रहे थे कि जो हम लोग को क्लॉक टावर देखने को मिल रहा है ना, उसका इंटरफेस सेम एक ही जैसा देखने को मिलता है, इसलिए फ्री फायर वाले उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना, उनका तो ये मानना है कि इस बार हमारे गेम के अंदर OB40 अपडेट के बाद से ये वाला क्लॉक टावर देखने को मिल सकता है। क्या सच में इस बार OB40 अपडेट के बाद से हम लोग को ये वाला क्लॉक टावर देखने को मिलेगा जिसमें ऊपर की ओर से अलग यूनिवर्स देखने को मिल रहा है? एंड जो ये न्यू वाला क्लॉक टावर है ना, ये हमारे गेम के अंदर कब से ऐड किया जाएगा उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले गाइस इस चीज को जानना जरूरी है कि यहाँ पर आप लोग का क्लॉक टावर के ऊपर जितना भी ऊपर मतलब इंटरफेस देखने को मिल रहा है ना, वो ओनली क्लॉक टावर का एरिया है या फिर वो कोई अलग मैप होने वाला है? तो गाइस जो ये क्लॉक टावर के ऊपर का एरिया देखने को मिल रहा है ना, ये बेसिकली क्या है ना कि ये क्लॉक टावर ही है, इसको ओनली डेकोरेट किया गया फ्री फायर की ओर से। एंड गाइस बात करें कि जो ये ऊपर की ओर यूनिवर्स देखने को मिल रहा है, क्या इस वाले यूनिवर्स के अंदर हम लोग जा सकते हैं या फिर ये यूनिवर्स ओनली देखने के लिए बनाया जा रहा है? तो गाइस बताया तो ये जा रहा है कि ऊपर का जो एरिया बनाया जा रहा है ना, जो अलग यूनिवर्स जैसे लोग कह रहे हैं, तो उसके अंदर भी फ्री फायर वाले एक मैप बना रहे हैं, मतलब एक छोटा सा टाउन जैसा बनाएंगे जिसमें हम लोग जाके ओनली आ सकते हैं। इस ऊपर वाले एरिया में जाने के लिए शायद से चांसेस बन रहे हैं कि टेलीपोर्ट का कोई सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें हम लोग एक एरिया से जाएंगे एंड डायरेक्ट वहीं पे निकलेंगे। बाकी यार एकदम एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, जितनी जितनी चांसेस बन रही है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एंड गाइस बात करें कि क्या इस बार OB40 के अंदर ये जो न्यू वाला मैप बताया जा रहा है, तो क्या ये न्यू वाला क्लॉक टावर हमारे गेम में अटैच कर दिया जाएगा? तो देखो यार, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि बहुत बड़े बड़े जो फ्री फायर के यूट्यूबर्स है ना, उनका तो यही बोलना है कि इस बार OB40 अपडेट के अंदर हमारे गेम में ये वाला क्लॉक टावर अटैच कर दिया जाएगा गेम के अंदर। क्या ये वाला मैप आएगा या फिर नहीं आएगा वो मैं आप लोग को एग्जैक्टली बताता हूँ। एक्चुअली गाइस देखो सीन क्या है, इस टाइम चांसेस बन रहे कि दो दो मैप हमारे गेम में आने वाले हैं। इस टाइम सबसे ज्यादा चांसेस ये बन रहा है ना कि हमारे गेम के अंदर आप लोग को बरमूडा मैक्स 2.0 का मैप देखने को मिल सकता है, जिसका इंटरफेस फ्री फायर वालों ने बहुत पहले निकाल दिया था। उस टाइम तो फ्री फायर गेम बैन भी नहीं था, उस टाइम फ्री फायर वालों ने इस वीडियो को रिलीज कर दिया था कि हमारे गेम में बरमूडा मैक्स 2.0 का मैप आने वाला है, बट अभी तक हमारे गेम में ये मैप नहीं आया है। एंड इस मैप से रिलेटेड फ्री फायर वालों ने ये भी बोला था कि जो ये मैप होने वाला है ना बरमूडा मैक्स 2.0, ये एकदम रियलिस्टिक मैप होने वाला है एंड वीडियो में आप लोग देख ही सकते हो। तो गाइस 50-50 के चांसेस तो बन रहे हैं कि इस बार आप लोग को हमारे गेम के अंदर बरमूडा मैक्स 2.0 देखने को मिल सकता है एंड साथ ही साथ हमारे गेम के अंदर जो ये क्लॉक टावर का एरिया है ना, इसमें ऊपर की ओर हम लोग को एक अलग यूनिवर्स देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों के चांसेस बन रहे हैं कि ये इस बार OB40 अपडेट के अंदर हमारे गेम में आ सकता है। वैसे भी जो ये बरमूडा मैक्स 2.0 का मैप है ना, ये तो एक साल पहले फ्री फायर वालों ने इसमें वीडियो डाल दी थी कि ये आने वाला था, बट यार अभी तक नहीं आया है एंड अभी जाके इसके चांसेस बन रहे कि ये आ सकता है। बाकी गाइस जैसे ही इन मैप से रिलेटेड मुझे कोई कंफर्म लिख पता चलती है वो मैं आप लोग को अपकमिंग वीडियो से बता दूंगा। चलो गाइस बात कर लेते हैं हमारे गोल्ड इवेंट से रिलेटेड। वैसे भी गाइस देखो, अभी आप लोग को पता है ना कि हमारे गेम में OB40 का अपडेट आने वाला है एंड मैं आप लोग को बता दूं, जो इस बार OB40 का अपडेट होने वाला है ना, गाइस इस बार जो OB40 का अपडेट होने वाला है ना, वो बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बता रखा था कि इस बार OB40 का जो अपडेट है ना, वो इसीलिए इतना ज्यादा खास है बिकॉज यार आप लोग को पता है इस बार OB40 अपडेट से ही हमारे गेम में जो पहले आइटम हुआ करते थे एंड जो ओल्ड एनिमेशन हुआ करते थे ना, वो इस बार से अटैच किया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर कुछ अपडेट बताए,
थे, जैसे कि इस बार ओबी अपडेट के अंदर हमारी गेम में जो ओल्ड कटाना का एनिमेशन है ना, उसकी चांसेस बन रहे कि वो रिटर्न आ सकता है। गाइस एक और खास चीज है इस बार ओबी 40 अपडेट में, जैसे कि आप लोग को पता है कि ओबी 39 का जो अपडेट आया था हमारे गेम के अंदर, जिससे बहुत सारे लोग की गेम बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। इस टाइम पिंग तो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, मतलब जो ये पिंग इश्यू है ना, इस टाइम सबके साथ देखने को मिल रहे हैं एंड कई लोग का तो गेम जो है ना वो ऑटो बैक हो जा रहा है। इसीलिए गाइस जो ओबी 40 का अपडेट है ना वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होने वाला है। अगर आप लोग का भी गेम बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, पिंग इश्यू हो रहा है या फिर और भी इश्यूज कोई देखने को मिल रहे हैं ना, तो आप लोग के लिए ओबी 40 का अपडेट बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ओबी 40 अपडेट के बाद से हमारा गेम लैग नहीं करेगा एंड पिंग इश्यू नहीं होगा। क्योंकि यार पता है ओबी 39 का जो अपडेट हमने किया था ना, उसके अंदर एक छोटा सा बग आ गया था जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं हम लोग को। एंड फ्री फायर के मॉडरेटर से बात करने पे तो यही पता चला है कि इस बार ओबी 40 के अपडेट के अंदर जितने भी हमारे गेम के अंदर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं ना, चाहे लैग इश्यू हो चाहे पिंग इश्यू हो एंड अदर इश्यूज हो, मतलब जितने भी गेम में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं ना, जितने भी एरर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारे बग्स को फ्री फायर वाले ओबी 40 के अपडेट के अंदर सॉल्व कर देंगे। एंड रही बात गोल्ड इवेंट्स की, तो गाइस देखो मैं आप लोग को बता दूं, इस बार ओबी 40 अपडेट के बाद से हमारे गेम में बहुत सारे गोल्ड के इवेंट्स आने वाले हैं एंड कैसे वो मैं आप लोग को बताता हूं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग ने जो ये इंक्यूबेटर वाला पोस्टर है ना, ये तो कई बार देख लिया है, बट यार इसके अंदर जो 1 जून लिखा है ना, तो मैं आप लोग को बता दूं 1 जून से ही हमारे गेम में ओबी 40 का अपडेट आने वाला है एंड 1 जून के बाद से हमारे गेम में जितने भी गोल्ड के इवेंट आते हैं ना वो और ज्यादा इंक्रीज कर दिए जाएंगे एंड 1 जून के बाद से हमारे गेम में जो इंक्यूबेटर एंड डायमंड का सेक्शन है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोग को बताऊं तो जितने भी डायमंड के इवेंट्स होंगे ना वो हमारे गेम में कम कर दिए जाएंगे एंड जो गोल्ड के इवेंट्स होंगे ना उनको बढ़ा दिया जाएगा एंड चांसेस बन रहा है कि इस बार ओबी अपडेट के बाद हमारे गेम में एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है जो कि गोल्ड के एक्सचेंज में आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग इमोट को एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब जो न्यू इमोट आएंगे ना ओबी 40 अपडेट के वो आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो। बाकी अभी तक हमारे पास वो लीक निकल के नहीं आया है कि इंटरफेस कैसा होने वाला है एंड इवेंट कैसा होगा एंड कितना गोल्ड खर्च होने वाला है, वो सारी चीज अभी तक कंफर्म नहीं है। जैसे लीक्स आएंगे तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा। एंड एक चीज गाइस अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो यार आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि यार दोस्तों को बोलो कि बहुत ज्यादा गेम खेले, बिकॉज़ देखो अगर अपन जितना गेम खेलेंगे ना तो उतना गेम को भी मोटिवेशन मिलेगा एंड जितना गेम को मोटिवेशन मिलेगा ना उतनी जल्दी हमारा ओल्ड फ्री फायर गेम रिटर्न आ जाएगा। बिकॉज गाइस देखो अभी फ्री फायर गेम रिटर्न करने के पूरे फिराक में है, जैसे उसके लीक आती है ना कि फ्री फायर गेम कब आएगा, उसके बारे में भी मैं आप लोग को अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूं। क्योंकि गाइस अगर मैं आप लोग को इन शॉर्ट अगर बताऊं तो देखो इस टाइम 50% हमारा गेम बैक आने वाला है, वो कंफर्म हो चुका है, बाकी 50% बाकी है एंड जैसे ही 20% और लीक मुझे पता चलेगी ना तो मैं आप लोग को कंफर्म बता दूंगा डेट की कितनी तारीख को हमारा गेम रिटर्न आएगा। एंड कल के दिन आप लोग को रनरिंग इवेंट के अंदर आर्टिक ब्लू बंडल देखने को मिलेगा एंड हाँ गाइस हमारे गेम में जो न्यू डीजे आलोक यानी कि एलाइट आलोक आने वाला है, वो आप लोग को कैसे लगा एंड उसके बारे में और जानना चाहते हो तो यार मुझे कमेंट कर देना, सबसे पहले मैं आप लोग को सारी चीज बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।